परमेश्वर अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं, अगर आप सेवकाइयों को बदलना चाहते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए। आमीन। आपके अंदर एक भूख, सबसे सेवकाई, सबसे बड़ी सेवकाई जो परमेश्वर के दिल को छूती, जिससे परमेश्वर दिल से प्रेम करते हैं, वो सेवकाई रूहों को बचाने वाली सेवकाई। अगर हम चाहते तो आज से कुछ साल पहले ही मुझे इतनी सेवकाई करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपना बिजनेस भी कर सकता था, सेवकाई भी कर सकता था, एक अच्छी सी चर्च बनाता, सुंदर सी चर्च बनाता और आराम से अपनी सेवकाई करता। मुझे कुछ भी इतना बड़ा और जबरदस्त करने की जरूरत नहीं थी, फिर पैसों का इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक बात जानता कि अगर मैं रूहों को बचाना चाहता हूं, अगर मैं परमेश्वर के बड़े काम करना चाहता हूं, तो मुझे डिसकंफर्ट से निकलना पड़ेगा, तो मुझे उस फ्रस्ट्रेशन से निकलना पड़ेगा, मुझे कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा। पहली बात जो आपकी जिंदगी में आती है अभिषेक आने के बाद, वो पहली बात कंफ्यूजन है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पहली बात जो अभिषेक उतरने के बाद आपकी जिंदगी में आती है वो कंफ्यूजन है। आप समझ नहीं पाएंगे आपने क्या करना है। लेकिन एक बात जो आपकी जिंदगी में होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा और आप चलते जाएंगे। बाइबल में लिखा है जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो शाऊल अभी भी राजा था, अभी भी राजा की गद्दी में बैठा था, लेकिन दाऊद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी भागता जा रहा था, अपनी लाइफ में कंफ्यूज था। जिसकी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं आई, उसकी जिंदगी में कभी बड़े काम नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर में हैं, तो आपको कंफ्यूजन आएगी अभिषेक आने के बाद। आप समझ जाओ, कंफ्यूजन आने के बाद, परमेश्वर में खड़े रहने के बाद, यह फैसला लेने के बाद कि हम किंग सीड हैं, हम राजाओं का बीज हैं, हम प्रिंसेस हैं, हम राजकुमार हैं। और बाइबल में लिखा है शैतान जब जान जाता है कि हम राजाओं के सीड हैं, हम परमेश्वर के बीज हैं, तो अटैक करने की कोशिश करता है और हमारी डेस्टिनी को खत्म करने की कोशिश करता है। हम तब सोच सकते हैं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अगर मैं राजा का बीज हूं, अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह की संतान हूं, तो मैं इस प्रॉब्लम से क्यों निकल रहा हूं। एक टाइम था मेरी जिंदगी में जब लोग लाइन लगा के प्रार्थना करवाने के लिए आते थे और मैं भी उसी लाइन में प्रार्थना करवाने के लिए आगे जाता था। सब हील हो जाते थे, सब चंगे होते थे, मैं चंगा नहीं होता था। भविष्यवाणियां होती थी, सबके जीवन में पूरी होती थी, लेकिन मेरे जीवन में पूरी नहीं होती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। लेकिन मुझे जब परमेश्वर के दास ने बताया कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और तुझे साबित करेंगे आने वाले समय में। जब परमेश्वर आपके लिए गुड नहीं रखते, आपको गुड नहीं देता, तो आपको बेटर देते हैं। और अगर बेटर ना मिले तो ध्यान अपने ध्यान को हटाने मत दो। आपके लिए बेस्ट तैयार है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके लिए बेस्ट तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो कंफ्यूजन आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। लोग कहते हैं अगर अभिषेक मेरे ऊपर है तो कंफ्यूजन क्यों, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी के ऊपर है तो क्या वो मुझे गाइड नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा वो तैयारी करता है अपने लोगों की, और आपकी तैयारी और पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आपकी तैयारी और बड़े कामों के लिए, आपकी तैयारी लंगड़े चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जब चर्च में बोला जाता था कि लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोई विश्वास नहीं करता था। अब संडे मीटिंग में सबकी आंखें खुल गई। मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, आप बड़े काम देखेंगे इससे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप इससे बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी के ऊपर है। मैं हैरान होता था जब मैं लाइन में प्रार्थना करता था, मुझे पता चला एक दिन की राजन बेकी यहाँ पे पंजाब में। मैंने कहा राजन बेकी आ रहे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता था वो लुधियाने में किसी होटल में बंदगी कर रहे हैं। रात को 9:30 बजे मैं यहाँ से गया और 2 घंटे बाइक पे ढूंढता रहा कहाँ पे। और जब मैं एंट्री की उस होटल में, तो लास्ट प्रेयर चल रही थी हाथ रखे। मैं फटाफट गया और हाथ रख के प्रार्थना करी, जाओ जा जा। परमेश्वर का बड़ा दास, हर एक से नहीं, हर एक व्यक्ति से नहीं, लेकिन अगर मुझे, लेकिन जिस कोई भी हाथ रखता था मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता था परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। भविष्यवाणियां सबके लिए होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे भूल जाते परमेश्वर, या मेरे सिर पे छाता लगो है सब बारिश में और मैं छाते में हूं। लेकिन परमेश्वर मुझे बड़े कामों के लिए तैयार कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि बड़े कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, लेकिन मैं एक बात जानता कि मुझे सिर्फ खड़े रहकर परमेश्वर के कामों को देखना है। चाहे मेरे जीवन में एक भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही, मुझे चंगाई नहीं आ, लेकिन एक दिन मैं खड़ा होऊंगा लाखों लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर की बात को समझ जाएं और उसकी योजनाओं को समझ जाएं, फिर आप कभी कभी निराश नहीं होंगे।
कि ये सब भविष्यवाणियां सबके जीवन में पूरी हो रही, फलाना गवाही के साथ ये, गवाही के साथ ये, गवाही के साथ मेरा नंबर कब आने वाला है। मैंने कहा आपका नंबर आप 10 गवाहियों के साथ वापस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप एक के साथ वापस आए, आप 10 के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा परमेश्वर का तैयारी करने का एक तरीका है, उसका समय गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के नाम में अगर आप कंफ्यूजन में नहीं रहे, अगर आप सालों कंफ्यूजन में नहीं रहे, आप सामर्थ्य कभी नहीं देखेंगे। अगर आप सालों कंफ्यूजन में नहीं जी सके तो आप कभी भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा भी नहीं जी पाएंगे। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करना शुरू कर देंगे, बाइबल में लिखा है वो हमारी अगुवाई जीव और अचंभी के साथ करता है। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक आता है, कंफ्यूजन आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, अटूट हिस्सा। आप लाख कोशिश करें कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए, यदि परमेश्वर के दास के द्वारा भी आप कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ सकते जब तक परमेश्वर ने आपका समय ठहराया है कि इस समय तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे, इस समय तक आप दुख में रहेंगे। ये समय आपके तैयारी का है, ये समय आपका सिर्फ सुनने का और देखने का और समझने का है। हर एक व्यक्ति जो अपने समय को नहीं जानता, जो समय से पहले लोगों के सामने आ जाता है, गायब भी जल्दी हो जाता है। मैं जानता था इस बात को, मैं समय से पहले लोगों के सामने नहीं आऊंगा। मैं जानता परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बात जानता कि परमेश्वर मेरी अजीब अजंबी रीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, मेरी सीक्रेट में तैयारी कर रहे हैं। और अभी अगर परमेश्वर मुझे अपीयर कर देंगे तो मैं डिसअपीयर हो जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अपने टाइम में जब मुझे सामने रखेंगे तो मैं सदा चमकता रहूंगा सैटेलाइट की तरह। आमीन। आपका समय आ चुका चमक रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। अगर आप इस बात को समझ जाएं और परमेश्वर के वचन पे खड़े होने का फैसला कर लें, और आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, अगर परमेश्वर ने चुना आपको राजा बनाने के लिए, तो कोई मायने नहीं शाऊल अगर अपनी कुर्सी पे आता हूं। बाइबल में लिखा शाऊल अपनी कुर्सी पे था, लोग आपके खिलाफ बोलने वाले हैं, अगर आप लगड़े भी चला देंगे तो आपके खिलाफ बोलने वाले हैं। वही आत्मा यीशु मसीह का जो तब लगड़े चलाता था, अंधे देखते थे, आज वही आत्मा इस चर्च में काम कर रहा है। और वही आत्मा के साथ एक यहूदा का आत्मा भी जो यीशु मसीह के साथ साथ था, आज वो चर्चों में वो भी अभी भी परमेश्वर के साथ है। जो यीशु मसीह का आत्मा लगड़े चलाता था और यहूदा आज भी परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, वो आज भी परमेश्वर के खिलाफ, लोग आपके सामने हंसेंगे लेकिन पीछे आपसे नफरत करेंगे, आपके सामने ही हुआ करेंगे लेकिन पीछे आपके गिरने की कामना करेंगे। मेरा परमेश्वर आपको कभी गिरने न देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर कभी गिरने देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको परमेश्वर के प्यार पे कॉन्फिडेंस है और उसके वचन पे कॉन्फिडेंस है, जब मैं 2004 में गवाही देता था, गवाही बन गई थी मेरी जिंदगी में, मैंने प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने मुझे आराम दे दिया। लेकिन जैसे मैंने गवाही देनी, मेरी बीमारी फिर वापस आ जानी। मैंने कहना मैं जिंदगी का, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान हूं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान हूं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने गवाही देनी, शैतान ने फिर अटैक करना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझाना कि खड़ा रहे, अड़ा रहे, तू नहीं जानता परमेश्वर के काम करने का तरीका, और शैतान भी जानता तू किंग सीड है, शैतान जानता तेरे ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं और वो तेरे जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और वो कर नहीं पाएगा अगर तू परमेश्वर का साथ दे और केवल परमेश्वर के साथ खड़ा रहे। आज जो बीमारियों की मैं गवाही देता था, मुझे अपने अपने दिल में याद भी नहीं कि मेरी बीमारियां थी कैसी, मुझे महसूस कैसे होता था जब मैं बीमार था, आज परमेश्वर ने मुझे 101% चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक समय था जब मैं लड़ता था शैतान के साथ, एक समय था जब मैं कंफ्यूज था, अपनी गवाही को देने के बाद भी शैतान रोज रोज मुझसे उसने लड़ना, रोज हर तरफ से उसने मुझे बांधने की कोशिश करनी। लेकिन अगर आप परमेश्वर में असली विश्वासी हैं, अगर आप बाइबल में उस विश्वासियों के जीवन को पढ़ें, दाऊद किस तरह बढ़ा, डैनियल किस तरह बढ़ा, परमेश्वर के लोग किस तरह बढ़े, यीशु मसीह किस तरह बढ़े, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे होने के बाद भी 30 साल तक इंतजार करते रहे कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करें, 30 साल तक यहोवा की वेट करते रहे और अपने आप को सिद्ध करते रहे, और जब समय आया परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। आपका समय, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा एक समय है, उस समय में परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेंगे, अपनी योजनाओं को जाहिर करेंगे। आमीन। कंफ्यूजन्स एक विश्वासी, एक पास्टर, एक प्रॉफेट, एक अपोस्टल की जिंदगी का हिस्सा है। अगर वो कंफ्यूजन में नहीं रहा तो वो अपनी जिंदगी में कभी पावर को नहीं देख सकता। जब आप इंडिया में रहते हैं और आपके इस ठंडे देश में जाएं, रशिया में जाएं, कनाडा में जाएं, या किसी भी देश में जाएं जहां का वातावरण इस देश के वातावरण से अलग है, आप चाहे 100% हेल्थी इंसान हो, आप चाहे 100% हेल्दी इंसान हो, उस देश में जाते ही आपकी बॉडी बीमार होनी शुरू हो जाएगी,
और कुछ दिन के लिए आपकी बॉडी को होश नहीं आती, क्योंकि आपकी बॉडी को गर्मी में रहने की आदत है और जिस देश में आप गए वहां टेम्परेचर 0 डिग्री है, और आपकी बॉडी तब रिएक्ट नहीं करेगी, टूटेगी, आपका बदन टूटेगा, आपको नींद आएगी, आपको आलस पड़ेगा, आपकी बॉडी टूटेगी, आपको बुखार हो जाएगा। जब भी ऐसे ही आप परमेश्वर के एटमोस्फियर में जो आत्मिक है, आज आपकी जिंदगी कैसी भी है, लेकिन बाइबल में लिखा है एक समय आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने ठहराया, उस समय में जब परमेश्वर आपको शिफ्ट करते हैं, सबसे पहले जो आपको शारीरिक आशीष मिलती है बाइबल के मुताबिक, वो आशीष आसमान में पहले रिलीज कर दी जाती है परमेश्वर के द्वारा, वो फिर आपकी जिंदगी में आती है। कितनों को समझ आ रही है? जब मैं इस बार परमेश्वर के दास के पास गया, परमेश्वर के दास के बेटे में परमेश्वर के दास ने बोला था कि इस 2014 में तेरी शादी होगी, और मैं नहीं जानता था, लेकिन वो आशीष रिलीज पहले हुई मेरे जीवन में, बाद में आई। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले परमेश्वर ने कहा था कि तेरी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, पहले परमेश्वर ने आसमान से रिलीज की, मेरी जिंदगी में बाद में आई। जब परमेश्वर आपको अगले लेवल पे शिफ्ट करता है, आपको भेजता है, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, आपका वातावरण चेंज हो जाता है, और आपको फिर आत्मा में बेचैनी महसूस होती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस तरह नए देश जाने के बाद आपकी बॉडी दर्द करती है, डिस्कम्फर्ट आपको लगता है, उसी तरह जब आप स्पिरिट में एक लेवल से सेकेंड लेवल में जाते हैं, आपकी बॉडी में एक अलग सा, आपकी स्पिरिट में एक अलग सी बेचैनी होती है। कितने मेरी बात को सब नहीं समझेंगे इसे। जब आप नए लेवल पे, एक बात याद रखो, लोग मुझे मिलने के लिए आते, बोलते हैं अपोस्टल जी शैतान ने अटैक कर दिया, शैतान ने हमला कर दिया, हमको ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं शैतान किस पे अटैक करता है। हर एक व्यक्ति जो आत्मिक रीति से सेंसिटिव नहीं, शैतान के अटैक के लिए तैयार हो जाए। जो सेंसिटिव नहीं, अगर आप अपने घर में सेंसिटिव नहीं, आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपने अपने रूल को, अपने 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 कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप सेंसिटिव नहीं है, तो जल्दी आप देखते हैं घरों में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वो लोग एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं है, बाप अपने बेटे के प्रति सेंसिटिव नहीं है। उसी तरह जब आप आत्मा में सेंसिटिव नहीं कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या परमेश्वर के वचन के मुताबिक है या नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूं ये परमेश्वर मुझसे खुश है या नहीं, क्या बाइबल में ये काम करना सही है या नहीं, क्या ये पार्टी में मैं जाऊं जहां लोग दारू पी रहे हैं, नाच रहे हैं या नहीं, क्या मैं ये काम करूं या नहीं। अगर आप ये सोचते हैं आप सेंसिटिव, और शैतान आप पे अटैक नहीं करने पाएगा। लेकिन अगर आप सेंसिटिव नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हैं क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं है। जो मसीह लोग सेंसिटिव नहीं है, वो सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, शबीले भी पी रहे हैं, सब कुछ जो लगा है आने दो, वो सेंसिटिव नहीं, और जब शैतान अटैक करेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब आप सेंसिटिव है अपनी आत्मा में, आप शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट में एक डिसकंफर्ट होगा, आपको बेचैनी होगा, आप नहीं जानते होंगे वो बेचैनी आपकी जिंदगी में क्यों है। जब परमेश्वर एक सामर्थ से दूसरी सामर्थ में आपको लेके जा रहे हैं, आपकी स्पिरिट में एक अजीब सा डिसकंफर्ट होगा, जैसे आपकी बॉडी कई बार दर्द करती है और आपको पता नहीं दर्द हो क्यों रहा है, और आपको आपका काम करने का दिल नहीं करता है, आप सिर्फ सोए रहते हैं। उसी तरह जब परमेश्वर आत्मा में हमें बढ़ाता है, आपकी आत्मा में आपको डिसकंफर्ट महसूस होता है, आपकी आत्मा को बुखार हो जाता है ऐसे बोल सकते हैं, आपकी आत्मा को दर्द होता है ऐसे बोल सकते हैं, और आपको पता नहीं कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन थोड़े दिनों के अंदर अंदर जब आप परमेश्वर की योजनाओं में बने रहते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका लेवल बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप महसूस करेंगे जो बातें आप परमेश्वर मांग रहे थे, जो विश्वास आप मांग रहे थे। कितनों को याद है ये सेवकाई? एकदम से लंगड़े नहीं चले, एकदम से अंधों ने नहीं देखा है। जब 2004-05 से मैं सेवकाई, 10 साल से मैं सेवकाई में हूं, शुरू से थोड़ी थोड़ी बीमारियां लोगों की ठीक होती थी, छोटे छोटे काम होते थे, लेकिन मैं जानता था कि ये सामर्थ असली है, और अगर हम परमेश्वर में बने रहे और खड़े रहे, परमेश्वर इसे बढ़ाते जाएंगे। उसी तरह यही काम आपके बिजनेस में, यही
यही फॉर्मूला, यही 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 रूल आपके बिजनेस में, आपके परिवार में लागू होता है। जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, आप सेंसिटिव है, आप परमेश्वर की बातों के प्रति सेंसिटिव है। मुझ पे शैतान ने अटैक क्यों नहीं किया इतने साल? 2004-5 में वो चला गया, आज तक उसने अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं हर वक्त सेंसिटिव हूं, हर वक्त सोचता हूं परमेश्वर मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। मेरी जिंदगी में हर काम परमेश्वर की मर्जी से होना चाहिए, कोई भी काम मेरी मर्जी से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को कोई भी मैं काम करूं, परमेश्वर को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैं सेंसिटिव रहा शुरू से, और इसलिए परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में रहा, और परमेश्वर की आशीषें मेरी जिंदगी में आती रही। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अगर आप इमोशनल हैं, ऐसे लड़के लड़कियां मैंने देखा जो नॉन क्रिश्चियन लड़के लड़कियों से प्यार में है, और फिर ये सोच कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर, भला करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं अलग अलग तरह की, अजीब अजीब तरह की, वो सेंसिटिव नहीं है परमेश्वर के मामले में। अगर वो जान जाएं कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं, सेंसिटिव रहे, तो शैतान उन पे कभी अटैक नहीं करेगा। फिर आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भरने की बार बार जरूरत नहीं कि मैं फौरन जाना चाहता हूं। फिर जब आप जाना चाहते हैं, आप फॉर्म फिल करेंगे, आप पासपोर्ट पकड़ेंगे और आप बाहर होंगे महीने में यीशु मसीह के नाम में। क्यों? बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको हियाव देंगे। आपको समझ आ जाएगी, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। आमीन। आपको समझ आएगी, आप स्पिरिट में सेंसिटिव होंगे। दो तरह के लोग हमारे बीच में, एक वो लोग जो हर वक्त देखते हैं शैतान ने क्या कर दिया, शैतान ने अटैक कर दिया, शैतान ने बिजनेस खराब कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया। जिस तरह बाइबल में लिखा, जब अलीशा और उसका सेवक पहाड़ पे थे तो बहुत सारे दुश्मन उनको मारने के लिए आए। अलीशा के सेवक ने कहा, अलास का मतलब एट लास्ट, अलास का मतलब कि खत्म हो गया सब कुछ, मालिक वो मारने के लिए आ रहे हैं, हमें देख कितने दुश्मन मारने के लिए आ रहे हैं। अलीशा ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा तेरी आत्मिक आंखें खोले। और जब उसने प्रार्थना की, उसके सेवक ने क्या देखा कि जितने हमें मारने के लिए आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं, जितने दूत हमारे साथ है वो उनसे हजारों गुना ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, जो लोग आत्मिक आंखें खोल के नहीं देखते उनको शैतान बड़ा लगेगा, उनको बीमारियां बड़ी लगेगी, उनको लगेगा डॉक्टर ने काला पी लिया, नहीं बोल दिया नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो जानते जो बीमारी मेरे अंदर है वो छोटी है उससे जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा। आमीन। वो जान जाएंगे ये गरीबी जो मेरे बाहर है छोटी है उस आत्मा से जो मेरे हृदय में बसता है। वो जान जाएंगे डिप्रेशन जो मेरी जिंदगी में छोटा उस आत्मा से जो मेरे हृदय में बसता है। अगर आप अपना ध्यान परमेश्वर पर लगा लेंगे और नेगेटिव बातों को छोड़ देंगे, बहुत से लोग गिर गए, सेवकाइयां गिर गई सिर्फ नेगेटिव बातों में ध्यान देने से, जब जो परमेश्वर ने अब तक नहीं दिया, ये परमेश्वर ने अब तक नहीं दिया, और भूल गया मैं सारा टेंट जो परमेश्वर ने मुझे दिया, लेकिन एक खंभा याद रख लिया जो परमेश्वर ने अब तक मुझे नहीं दिया, और रो रो के बुरा हाल कर लेगी परमेश्वर मुझे खंभा आज ही चाहिए। शैतान ने कहा, हवा देख फल कितना सुंदर है, हवा का ध्यान फल की ओर, और सारा बाग भूल गया जो परमेश्वर ने उसे खाने के लिए दिया था। एक चीज जो परमेश्वर ने नहीं दी उस पर सारा ध्यान लगाने के बजाय, जो इतने खंभे परमेश्वर ने दिए हैं उस खंभे के पास जाओ और बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, उस खंभे के पास जाओ बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हर खंभे के पास जाओ परमेश्वर बोलो तेरा धन्यवाद। और मैं प्रोफेसी करता हूं, जब आप वापिस धन्यवाद करके वापिस खंभे के पास आएंगे वो भी आपकी जिंदगी में होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी जिंदगी में वो भी होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जानते हैं आपको और मुझको विश्वास के अनुसार चलना है। जब मैं मसीह में आया था सारे आसमान भी खुल गया था, सब परमेश्वर ने एक दिन में दे दिया, एक दिन में कुछ नहीं मिला, एक साल में कुछ नहीं मिला, दो साल में कुछ नहीं मिला, और कंफ्यूजन लड़ाइयां झगड़े बीमारियां दुष्ट आत्माएं सब अपनी अपनी जगह से अटैक कर रही थी, और मुझे लगता कि शायद बाहर आना इम्पॉसिबल है। भूल जाओ लोग आपको क्या कह रहे हैं। एक बार जब मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता था, मेरे विश्वास को शैतान हराने की कोशिश करता था, परमेश्वर का भूल जाओ वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग उस स्थान पे हैं जिस स्थान पे आज से तो 10 साल पहले था। कितनों को समझ आई मेरी बात?
परमेश्वर का भूल जाए वो लोग क्या कह रहे, क्या कंप्लेंट कर रहे हैं। अपने आप को याद रख, आज से 10 साल पहले तो इसी स्थान पे था जिस स्थान से वो बात कर रहे हैं, एक दिन वो भी तेरे स्थान में होगा और आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर ने आपको दिया वो थैंक्स करने के लिए दिए। आप जानते धन्यवाद एक हथियार बजाता अगर आपको समझ आ जाए। थोड़े दिन पहले मैंने एक बात लोगों को बोली थी, अगर आप परमेश्वर को थैंक्स करते हैं एडवांस में जो आप मांग रहे परमेश्वर ने आपको दे दिया, मैं आपको बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते आप गवाही के साथ यहां पे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ यहां होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप गवाही के साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस बात को समझ जाए, परमेश्वर ने आपको चुना है सेवकाइयां बदलने के लिए, रीति रिवाज बदलने के लिए, परंपराएं बदलने के लिए। मुझे आदत नहीं है अपने मुंह में यहाँ क्या कहते मिट्ठू बनने की कि हमने क्या 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 किया, कितनी सेवकाइयां बदली, लेकिन मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं और फेसबुक बताती है कितनी बदली यीशु मसीह के नाम में, कितनी बदली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोगों की परंपराएं बदल रही है, रीति रिवाज बदल रहे जो वो सालों से करते आ रहे थे। आज परमेश्वर उनको दिखा रहा है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने से आप कहीं भी किधर भी और कितनी भी ऊंचाई में पहुंच सकते हैं। अपने टाइम का इंतजार करो, परमेश्वर में बने रहो और खड़े रहो, और एक बात अपने मन में फैसला करो, अगर मैं मर भी जाऊं तो परमेश्वर के वचन से मैं हटने वाला नहीं। एक समय था मेरी जिंदगी में जब मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मुझे शायद अगर ये बंदा बोल दे कि तू ये कर तू बाहर आ जाएगा और मुझे वो वचन के बाहर अगर मालूम हो गई वचन के बाहर मुझे जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं सारी उम्र प्रॉब्लम में रहने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं परमेश्वर के वचन से हटने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि एक दिमाग में मेरी ये भी बात रहती थी, चाहे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में थी लेकिन मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा यही रहता था कि परमेश्वर के सामर्थ्य में मैंने कैसे बढ़ना, मैं कैसे गिफ्टों को लूं, मैं कैसे प्रेम में बढ़ूं, मैं कैसे गैर भाषा में बढ़ूं, मैं कैसे सामर्थ्य में बढ़ूं, मैं कैसे परमेश्वर के करीब जाऊं, मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकूं, कैसे सेवकाई को बढ़ा सकूं। और बाइबल में लिखा जब आपका ध्यान आत्मिक हो जाता है संसार की सारी वस्तुएं आपका पीछा करती है यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझनी है, आज आपको फैसला करना है अपने हृदय में परमेश्वर के वचन पे एक स्ट्रॉन्ग रीति के साथ खड़े रहने का। आपको थैंक्स करना है उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दी है, जो नहीं दी वो भूल जाओ, उसको भूल जाओ, जो दी है उसका थैंक्स करने जाओ जो परमेश्वर ने आपको दी है। अगर शैतान बुद्धिमान है तो आप महाबुद्धिमान है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो अटैक करता है उसमें अटैक करो यीशु मसीह के नाम में। अगर वो आपको बता रहा है कि ये खंभा तेरी जिंदगी में अब तक नहीं है, आप उसे बता सकते हैं शैतान ये देख, ये खंभा देख, ये खंभा देख, ये खंभा देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, उसे दिखाओ क्या आपके पास है। आप जब थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, मैं आपको बता रहा हूं थैंक्स करना गवाही देना ये हथियार है और शैतान के खिलाफ काम करते हैं। गवाही देना शैतान के खिलाफ काम करते हैं। रोज गवाही दो अपने, रोज रूहों को बचाओ। मैं जब बिजनेसमैन था और पैसे इकट्ठे करने के लिए उग्राई करने के लिए बोलते कलेक्शन के लिए जब जाता था, हमारा होलसेल का काम था, तब मैं जब किसी भी दुकान पे जाता था गवाही दिए बगैर वापस नहीं आता था। गवाही देना मेरे खून में आ चुका था। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रचारक जो आज बनता है अपनी जिंदगी के पहले दिनों में वो सबसे बड़ा गवाही देने वाला होगा, ये निशानी होगी। जो सबसे बड़ा सेवक आप देखते हैं पहले ही ये सब बड़े सेवक, आप उनकी जिंदगी को चेक करो, सबसे पहले उन्होंने गवाही देनी शुरू की थी। सबसे पहले जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में किया उन्होंने वो करना शुरू किया था। कोई भी बड़ा काम बड़े काम से शुरू नहीं होता, उसकी शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन परमेश्वर अगर साथ हो वो जल्द सबसे बड़े में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? भूल जाओ कि कंफ्यूजन नहीं आएगी, कंफ्यूजन आएगी 101% आएगी। कंफ्यूजन आप कंफ्यूज रहेंगे लेकिन वो सामर्थ का एक रिजल्ट है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, वो कंफ्यूजन एक रिजल्ट है उस सामर्थ का। लेकिन वो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि शैतान समझ चुके हैं जिस रास्ते पे आप चल चुके हैं, जिस रास्ते पे आपने चलना शुरू कर दिए हैं वो रास्ता जल्द आपको बड़ी गवाही की तरफ लेके जाने वाला है। उस रास्ते पे चल के आप देखेंगे लाखों लाखों लोगों को आपकी गवाही की तरफ बदलते हुए। हमारी जिंदगी में जब काम होते हैं हम सिर्फ अपने कामों में भरोसा नहीं रखते, आशीष में भरोसा नहीं, इसलिए खुश नहीं है कि आशीष मेरी जिंदगी में है, मेरा परमेश्वर जानता है। मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर अगर मैं सेवकाई में ना होता
तो मुझे ये आशीष नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए आशीष के रूप में नहीं, इसलिए कि मैं सेवकाई में रहकर शैतान का मुंह बंद कर सकूं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना जैसे वो शुरू से सुनता आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर परखते हैं, परखते हैं, परखते हैं। जब वो परख लेते हैं, जब वो जवाब देते हैं, जब वो अनुग्रह देते हैं, जब वो प्रतिफल देते हैं, आप नाचेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप नाचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू जानता है मेरे दिल को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये मेरी जिंदगी में ये हिस्सा ना आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू जानता है मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ, तेरे लिए खड़ा हूँ, और अगर तू मुझे आशीष दे तो मैं सदा तेरे लिए खड़ा हूँ। तू जानता है अगर ना भी तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन तू जानता है अगर तू देगा तो मैं तेरे काम, तू जानता है और अच्छी रीति के साथ कर पाऊंगा, लेकिन अगर तू ना भी देगा तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी, परमेश्वर जब मुझे आशीष दी मुझे ऐसा लगा ये आशीष वापिस आ रही, मैंने अपने मन को तैयार कर लिया कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती जो परमेश्वर प्रेम करते हैं। लेकिन जब मैंने अपने मन को तैयार किया, परमेश्वर ने उस आशीष को वही जगह पे रखा जहां वो थी। कितने को समझ आ रही मेरी बातें? ये सब दिमाग में है। आपका दिमाग एक एक लड़ाई का स्थान है जो शैतान के साथ आप करते हैं। ये सब लड़ाइयां जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 की, जब मैं लड़ रहा था शैतान के साथ, जब मैं लड़ रहा था, जब मुझे लगता था कि आशीष असली नहीं है। आपको अपने अभिषेक पर शक होगा 101%। अगर वो रियल अभिषेक है आपको हमेशा शक होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब लगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, आपका इन लोगों का शक भी दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझ नहीं है, आप उस रास्ते में जो रास्ता तंग है, आप उस रास्ते में जिस रास्ते में आपको इस बात को समझना है कि शैतान उस रास्ते पे आपको नहीं चाहता कि आप चलें, क्योंकि वो स्मेल लेता है। वो जिस तरह समझदार औरत को स्मेल आती है सब्जी बनने से पहले कि ये सब्जी इतनी बन चुकी है और सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट इसको चूल्हे पे रखना और ये तैयार है, शैतान को स्मेल आती है कि ये व्यक्ति अगर 2 साल और इसी स्थान पे खड़ा रह गया तो ये व्यक्ति आज का व्यक्ति और उस व्यक्ति में जमीन और आसमान का फर्क होगा। इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर अपने दास को मूसा को भेजा कि मूसा जा और अपने लोगों को छुड़ा के लेके आ, बाइबल में लिखा राजा ने दुगना तंग करना शुरू कर दिया लोगों को, ये सोच कर कि ये लोग कभी भी छूटने की इच्छा ना रखें। जब आप फैसला कर लेंगे शैतान से आजाद होने का, मैं आपको बता रहा हूं आप फैसला तो कर लेंगे लेकिन शैतान भी फैसला कर लेगा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अंत समय में वो शैतान जानता है उसका समय नजदीक आ चुका है। शैतान जानता है कि परमेश्वर कभी भी आ सकते पलक झपकते। शैतान जानता है वो जितनी रूहों को ले जाए नरक में उतने कम है, इसलिए वो हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं। आज से 10 साल पहले मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ा और जब हम मसीह में आए तो मैंने उसे प्रभु के बारे में बताया, वो भी उस समय जब मैं नशे करता था, और मैंने बताया कि मुझे सिर्फ 2-3 हफ्ते चर्च में जाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, चल तू भी चल चर्च में। उसने मेरे साथ चर्च जाने का फैसला कर लिया, अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी और बपतिस्मा ले लिया। और जब बपतिस्मा लिया एक समय आया जब परमेश्वर आपको परखता है, क्योंकि शैतान जानता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और वो आपकी जिंदगी में ट्रबल पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसकी फैमिली ने कहा अगर तू चर्च में जाएगा तेरे को दुकान नहीं देंगे हम, तेरे को हिस्सा नहीं देंगे हम, तेरी शादी नहीं करेंगे हम। उसने प्रभु को छोड़ दिया और वापस चला गया और मैं प्रभु में खड़ा रहा, रोते बिलखते ये सोच के कि उसके पास सब कुछ है। एक समय आया जब उसके घर वालों ने ना तो उसे दुकान दी, ना उसकी मैरिज, ना उसकी हर चीज उसकी आज ट्रबल में, उसकी मुश्किल में। और जब वो आज मुझे देखता है तो एक बात जरूर बोलता है कि काश मैंने तेरे जैसे फैसले लिए होते अपनी जिंदगी में। पछताने से अच्छा ये है कि आज फैसला लो, तब पछताने से कोई बात नहीं बनेगी। आपके लोग बोलेंगे अगर तूने मसीह को माना हम तुझे बाहर नहीं फॉरन में नहीं बुलाएंगे। पुआ नहीं नहीं मैं तो वैसे क्या ही चर्च, मैं तो नहीं जाना दौरा चर्च। पुआ दोस्तों तो आर्टिकल तो उसी हट सकते, वो भूआ आपका फोन भी नहीं सुनेगी 2 साल बाद, आप यहीं जलंधर में धक्के खाते होंगे। आप कितनों को समझ आ रही मेरी बात? भूआ को साइड पे रखो, भूआ से बड़ी कोठी आपकी कनाडा में होगी यीशु मसीह के नाम में।
अगर बात को समझो तब गवाही बनने में टाइम लगता है, 10 साल लगे मेरे को, लेकिन 7 साल से मैं गवाही देता आ रहा हूं, स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी जिसमें परमेश्वर ने बड़े काम मेरी जिंदगी में किए।